स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, है ना, और आपके बच्चों ने भी शायद वाइब्रेंट एकेडमी में एडमिशन लिया है, है ना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने वाइब्रेंट एकेडमी का ही सिलेक्शन क्यों किया। मेरे ख्याल से आप कोटा में आके आपने कई संस्थान देखे होंगे, तो आपने वाइब्रेंट एकेडमी का ही सिलेक्शन क्यों किया? सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताइए। मां जनाव कैला सोजी ना तो आया तालुका मांठा जिला जालना पांगरी गाँव चारा ना रेमित वायर पांगरी ते इथा आले रामी बरेच काही क्लास पाहिले आम्हाला ते दुसरे योग्य वाटले नाही ते खूप त्यांच्याकडे मुलं 2-2.5-3 लाख मुलं असल्यामुळं आमच्या मुलावर काही लक्ष द्यायचं येणार नव्हतं त्याच्यामुळं आम्ही वायब्रेंट अकॅडमी कमिटी साजरी केली तर डायरेक्ट लोक शिकी दिलं त्यांनी पुस्तकं छापलेली आहेत ते शिक्षक लोक आमच्या मुलाला शिकी देत याच्या दूर आमचे पाहुण्याचे मुलं चांगल्या प्रकारे चांगल्या व्यवसायाला याला नोकरीला लागलेले आहेत त्याच्यामुळं आम्ही वायब्रेंट अकॅडमीला आम्ही हे केलं आम्ही पहिलं त्याला हे दिलं मत दिलं। जैसा कि बात करके मुझे समझ में आ गया है कि आप महाराष्ट्र से हैं, है ना, तो यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र से आप यहाँ पे कोटा में आए हैं तो क्या बच्चा सेट हो गया, सारी चीजें सही सही हो गई यहाँ पे, खाने पीने का इंतजाम वगैरह सब अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे? सब अच्छी तरह सगड़ा झाला था, हमारा रूम भेटली व्यवस्थित सगड़ा झाला सगळे चांगला होता। 2 दिवसात मुलगा यायला तर बेस्ट अभ्यास करायला हे करायला 1 मिनिट भी वाया घरी ना चांगल्या प्रकारचा उत्तम अभ्यास करायला सर। अच्छा चलिए आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं यहाँ पे? हाँ सर। ओके थैंक यू सो मच।